आपका स्वागत है, जहां मैं उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच घूमकर इस धार्मिक धरती के शानदार इतिहास को जानने का प्रयत्न करूंगी। मैंने अपने तरीके से यहां घूमने का निश्चय किया और ऐसी जगहों पर गई जहां एक समय भगवान खुद चला करते थे, तपस्या करते थे और मोक्ष प्राप्त करते थे। उत्तराखंड का वातावरण इतना मोहक है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सदियों से यहां देवी देवताओं का आना जाना रहा होगा और आज भी ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा के बाद मैं यमुनोत्री गई, जो यमुना का निवास है और छोटा चार धाम यात्रा का आरंभ स्थान भी है। यमुनोत्री के बाद मैं गंगोत्री होते हुए गौमुख पहुंची। जगहों को देखने के बाद मैंने हिंदुओं के तीसरे प्रमुख यात्रा धाम की ओर अपना सफर शुरू किया। गंगोत्री से 260 किलोमीटर की यात्रा कर मैं केदारनाथ पहुंची। केदारनाथ से पहले गुप्त काशी आया। गुप्त काशी में एक प्रमुख बाजार है जो केदारनाथ की ओर जाते हुए रास्ते में आता है और इस जगह तीर्थ यात्री विश्राम के लिए ठहरते हैं। ये मंदाकिनी नदी की घाटी से पश्चिम की ओर कुछ ऊंचाई पर बसा है। गुप्त काशी मतलब छुपा बनारस और ये जगह वाकई में कुछ कुछ बनारस शहर जैसी दिखती है। गुप्त काशी से मैं पवित्र धाम केदारनाथ पहुंची। मंदाकिनी नदी केदारनाथ चोटी पर बसे चोराबरी ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने से निकलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है और फिर वहां से ये भागीरथी में जा मिलती है। यहां से अब ये नदी गंगा कहलाती है। गढ़वाल हिमालय पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदुओं के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान शिव को केदारनाथ के नाम से पूजा जाता है, जो ऐतिहासिक केदारखंड प्रवेश के मालिक हैं। केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने बनवाया था और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में स्थापित है। मंदिर की स्थापना कब हुई थी इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए बेहतरीन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी चमक आज भी बरकरार है। पुराणों के मुताबिक पांडवों ने अपने वनवास के समय यहां भगवान शिव की पूजा की थी। हिमालय पहाड़ पर स्थित केदारनाथ भारत में आज भी एक प्रसिद्ध शिव स्थल के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि है। कहा जाता है कि 32 वर्ष की आयु में इन्होंने इसी जगह जीव समाधि ली थी।
केदारनाथ के चारों ओर हरियाली है, बर्फ से ढके पहाड़ और जंगलों से घिरी हुई घाटियां हैं। मंदिर के पीछे एक ऊंची चोटी है जिसे केदार डोम कहते हैं। ये काफी दूर से भी दिखाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की मूर्ति है जो भगवान शिव की सवारी है। मंदिर की आंतरिक दीवारों पर पत्थरों से बने कई देवी देवताओं के चित्र हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग भवन है जिसमें पिरामिड आकार का लिंग स्थापित है। रात में जब आरती होती है तो केदारनाथ मंदिर और आसपास का सारा इलाका भक्ति भाव से भर जाता है। कई जलते दिए, घंटियों की आवाज, प्रार्थना और आरती गान से एक अजब शक्ति का एहसास होता है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। जो भी केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं वो इस आरती में शामिल होना नहीं भूलते। केदारनाथ से करीब 80 किलोमीटर दूर NH 109 से सटा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की पहली झलक देखने के बाद ऐसा लगा कि इसे प्रकृति का वरदान मिला हो। कई खूबसूरत दृश्य, झील, ग्लेशियर्स और तीर्थ स्थल। इस जगह के धार्मिक वातावरण में इतनी ऊर्जा है कि एक दिव्य शक्ति का एहसास होता है। भगवान शिव का ही नाम है रुद्र, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा रुद्रप्रयाग, जो पवित्र नदी अलकनंदा और मंदाकिनी के मुहाने पर बसा है। इन दोनों नदियों का मिलन एक अद्भुत नजारा पेश करता है। ऐसा लगता है कि दोनों नदियां बहनों की तरह एक दूसरे से मिल रही हो। रुद्रप्रयाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि नारद मुनि ने संगीत में महारत हासिल करने के लिए इसी जगह शिव की आराधना की थी और भगवान शिव ने रुद्र अवतार में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। रुद्रप्रयाग की बात ही कुछ और है। यहाँ प्रकृति के बीच में स्थित सुंदर पहाड़ों का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। हिमालय से निकलती नदियां, ऊंची चोटियां, बहते झरने और घनी हरियाली देखकर यकीन हो जाता है कि उत्तराखंड सच में देवताओं का निवास है। रुद्रप्रयाग को भी प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ की शुद्ध आबोहवा और धार्मिक वातावरण के बीच हिमालय पहाड़ों के खूबसूरत दृश्य धरती पर स्वर्ग जैसे प्रतीत होते हैं। मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पहुंचने से पहले एक खूबसूरत जगह आती है चोपटा। बद्रीनाथ के रास्ते आने वाली इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अब आपने इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा लिया होगा। चोपटा की खूबसूरती बहुत से यात्रियों की नजर से अभी भी छुपी हुई है।
यहाँ हिमालय पहाड़ का बेहतरीन नजारा देखा जा सकता है। बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान मैं जोशी मठ गई। जोशी मठ, जिसे स्थानीय लोग ज्योति मठ भी कहते हैं, उत्तर भारत का एक अनूठा तीर्थ स्थल है। जब सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर बंद हो जाता है, तब लोग जोशी मठ के नरसिम्हा मंदिर में दर्शन करने आते हैं। जोशी मठ इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ बौद्धों के चार प्रमुख मठों में से एक शंकराचार्य मठ स्थित है। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ गुफा में ध्यान लगाया था और लगभग 1200 साल पहले कल्पवृक्ष यानी एक शहतूत के पेड़ के नीचे समाधि ली थी। जोशी मठ बेस कैंप भी है। यात्री गोविंद घाट और वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा से पहले यही ठहरते हैं। जोशी मठ के बाद दूसरा गांव है माना। ये उत्तराखंड का आदिवासी बहुमत वाला क्षेत्र है और इन दिनों एक मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर होता जा रहा है। यहाँ आने की खास वजह ये है कि माना में भारत की आखिरी चाय की दुकान स्थित है। यहाँ से संकीर्ण घाटियों के बीच गंगा नदी की मुख्य धारा को बहते देखा जा सकता है, जिसे अलकनंदा कहते हैं। यहाँ 5111 ईसा पूर्व की एक गुफा भी है, जिसे श्री वेद व्यास गुफा कहते हैं। इस गुफा का पत्थर पुरानी हस्तप्रत जैसा दिखता है। ये सभी कैमरे में कैद करने योग्य है। माना से मैं बद्रीनाथ गई। 44 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय करना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों के खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कर देने वाले राज्य उत्तराखंड की मेरी यात्रा जारी थी और मैं चारों धाम के अंतिम धाम बद्रीनाथ पहुंची। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। चारों धामों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में आने वाले इस धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। बद्रीनाथ गढ़वाल की पहाड़ियों में 3400 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के पास बसा है। नौवीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। हाल ही के वर्षों में इसकी प्रसिद्धि और बढ़ी है। 2006 में करीब 6 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। बद्रीनाथ मंदिर सबसे पवित्र यात्रा धामों में से एक है। ये
मंदिर बद्रीनाथ शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र है। इस मंदिर की ऊंचाई 50 फीट है और इसके ऊपर का ढांचा गुंबद के आकार का है और सोने से ढका है। मंदिर का बाहरी ढांचा पत्थरों से बनाया गया है और खिड़कियां मेहराबदार हैं। चौड़ी सीढ़ियां मुख्य प्रवेश द्वार तक जाती हैं। पूरी संरचना एक बौद्ध मंदिर जैसी है। भड़कीले रंगों से सजा ये मंदिर बद्रीनाथ की खास पहचान है। कथाओं के अनुसार शंकराचार्य को अलकनंदा नदी में से काले पत्थर की भगवान बद्री नारायण की मूर्ति मिली थी। उन्होंने इस मूर्ति को बद्रीनाथ से दूर एक गुफा में स्थापित किया। बाद में 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने उस प्रतिमा को जहां आज मंदिर है वहां स्थापित करवाया। प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई क्षति को दूर करने के लिए इस मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। बद्रीनाथ यात्रा का सही समय जून से सितंबर महीने के बीच है। इन महीनों में उत्तराखंड की सुंदरता देखते बनती है। उत्तराखंड को वाकई प्रकृति का वरदान प्राप्त है। अपनी यात्रा के दौरान मैंने चारों धाम देखे। मेरी उत्तराखंड की यात्रा में इन चार पवित्र स्थलों का भी समावेश था। अगर यमुनोत्री में चकित करने वाले दृश्य हैं, तो गंगोत्री में अद्भुत गंगोत्री ग्लेशियर है। केदारनाथ में अलकनंदा और मंदाकिनी का अद्भुत मिलन है, तो बद्रीनाथ के माना में है भारत की अंतिम चाय की दुकान। उत्तराखंड वाकई प्रकृति का धनी राज्य है। प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल इसकी खास पहचान है। उत्तराखंड कैसे पहुंचा जाए? हवाई यात्रा के लिए उत्तराखंड के देहरादून में एक एयरपोर्ट है, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट। दूसरा एयरपोर्ट नैनीताल के नजदीक पंत नगर में है, जहां से बहुत कम हवाई यात्रा होती है। ज्यादातर निजी और सरकारी विमान देहरादून से ही मिलते हैं। सड़क मार्ग। उत्तराखंड की चौड़ी सड़कें कई राज्यों के प्रमुख इलाकों से जुड़ती हैं। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य भी उत्तराखंड से नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं, जिससे कई प्रमुख शहरों से यहां आया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य की यात्रा के लिए सरकारी, प्राइवेट और डिलक्स से लेकर हर तरह की बस सेवा उपलब्ध है। रेल मार्ग। उत्तराखंड पहुंचने के लिए रेल सेवा भी अच्छी है। प्रमुख रेलवे स्टेशन है देहरादून, हरिद्वार और काठगोदाम। यहाँ से देश की कई जगहों के लिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस, पैसेंजर से लेकर लोकल ट्रेन भी मिलती हैं। उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में पहाड़ों की काफी ऊंचाई होने से रेल सेवा का विस्तार उन जगहों पर अभी तक नहीं किया जा सका है। अब यहाँ से मैं धरती की एक बेहद खूबसूरत जगह वैली ऑफ फ्लावर्स की ओर जाऊंगी। मुझे यकीन है आप इसे देखने का मौका नहीं गवाना चाहेंगे।